टाइम लगता है। मैंने इसको उठा के लिया कंधे पे, बाइक बाइक वहीं पे रखी मैंने। बोल गाइस गाड़ी फिर से आ जाती है, हर एक चीज फिर से आ जाती है, जान नहीं आती ये। और इसको ऐसे उठाओ ना, ऐसे जैसे मुझे दिखा रहे थे गाइस। ये आप देख सकते हो भाई, ये रात हो गई और लग गई बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाई, हो कि आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो गाइस, तो मैं तो गाइस थोड़ा बाहर था, तो मेरी बाइक ज़्यादातर इसके पास होती है, खालद के पास। तो और ये खालद को रात को जी कहीं गिड़ी लगाने के लिए गया था, तीन बंदे ये। आपको मैं बताता हूँ कि क्या हालत की है इन्होंने, क्या नहीं, और इनसे पूरा पूछूँगा। ये मुझे बता नहीं रहे थे, तो वो तो ऐसे ही मुझे दिख गया मेरे, मतलब कॉल उठा के ये बोल रहे हैं हम खाना खा रहे हैं जहाँ सोए हैं, बस आगे पीछे की बातें वगैरह कर रहे थे, मुझे सच नहीं बता रहे थे। अब मुझे सच पता चला है, ये मेरे सामने मिल गया, बोलता मैं उठ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे फ़ोटो खींचता हूँ मिला इधर। तो अब पता नहीं किसको वगैरह सेंड करेगा ये, जो है इनके साथ मैं आपको मिलाता हूँ। ये कौन से चन है, जो क्या ग्रह लगा इनको रात को, सारा ये बताएंगे भाई। तो गाइस, तो ये वो बंदे हैं भाई जो रात को जो वगैरह गिर गए। अच्छा भाई, क्या मसला हुआ, कैसे लगी, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ लगी कहाँ, बाकी बात ऊपर करो, ऊपर करो इसको। तो और इसको ऐसे उठाओ ना, ऐसे जैसे मुझे दिखा रहे थे गाइस। जी आप देख सकते हो भाई, ये रात की ये की है, बाइक भी टूटी हुई है। बाइक का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अब इसके पांव देखे भाई गाइस। गाड़ी फिर से आ जाती है, हर एक चीज़ फिर से आ जाती है, जान नहीं आती। ये देखो ये बंदा भी, एक और इसके, ये तीन बंदे थे, तीसरे को कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं नदीम, तो हम तीन बंदे बैठे थे, शाहिद बोलता मुझे गुजी सट लग गई, शाहिद को कुछ नहीं हुआ था, मुझे और नदीम को बहुत ज़्यादा लगी थी। इस बंदे को आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लग गई, हम तो इसको इधर भी लगी है, मैं इसके हाथ को लगी है, मतलब ड्राइवर जो था ना, मेन बात मैं आपको बताऊँ, ड्राइवर ये था, दूसरा शाहजहाँ ये, पर इस बार लगी हुई, क्योंकि वो शाहजहाँ बच गया था, इसको इसको इस लगी है। ये इनका इसका भाई है बेचारा, ये इनको मैंने इनको रात को कॉल भी की, बोलते नहीं हम सोए हुए हैं। अच्छा बताओ मुझे, आपने झूठ क्यों बोला रात को भाई? ये हम वहाँ से, जिस वक्त हम वहाँ तूने फोन किया था ना, उस वक्त उधर बेड पे लेटा हुआ था, क्या हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जैसे हम वहाँ से जा रहे थे ना, वीमाल थे, हम वीमाल से आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तब तक से गाड़ी वाले ने पीछे से, वो पहले बोल रहा था मुन्ना रुको रुको रुको, हमने जैसे उसके मुझे मतलब कि कहना है, मतलब कि वो मुझे बोल रहा था कि मुन्ना, उसने सोचा कि नंबर प्लेट देख के पीछे से सोचा कि मुन्ना की बाइक है, मुन्ना चला रहा है। अच्छा बोला मुझे रुको रुको रुको, मैंने रुका, मैंने जैसे उसकी तरफ ऐसे मुड़ा, वो आगे पता नहीं खड्डा था क्या था, मैंने स्कैन हो गई और लग गई बहुत ज्यादा, क्या बोला तूने, स्कैन हो गई और लग गई बहुत मतलब बाइक स्लिप हुई है, बाइक हुई है बहुत ज़्यादा यार। गाइस मैं एक बात बता दूं, अगर कोई और भी जो है मेरी बाइक वगैरह चलाता है, मैं इतनी बता दूं कि मैंने जो लेग गियर जो है वो उतार दिए हैं, इस चीज़ से जो है मतलब कि बाइक अगर गिरेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेग गियर इतनी इतनी साइड होती है वो बचा लेती है, टांगे वगैरह बच जाती है, मैंने ये बिल्कुल खोल दिया है, सेफ्टी मेरी बाइक में कोई नहीं है। बाकी अपनी सवारी है, मतलब कि अपना ख्याल खुद रखें। आगे ये मेरी कहने की बात है कि कोई लड़का था, जिससे जो भी था, वो जैसा भी था, आवाज़ नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये बेचारे अभी अभी ड्राइवर, मतलब मैंने सिखाया इनको ड्राइवर बनाया, तीन बंदे बैठे हुए थे, तीन बंदे बैठ के जो इसकी गलती है, जो पीछे मुड़ के देखा इसने, जो भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। तूने फोन किया मुझे, बोला कहाँ पर हो तुम, मैंने बोला मैं अभी यहाँ खाना खा रहे हूँ, आपने झूठ क्यों बोला, मैंने बोला तुम आओगे यार, क्या मैं क्यों मारूंगा यार, मैं पा गया, और नहीं 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 मैं क्यों मारूंगा आप लोगों को यार, आपको ये कहने का मतलब है कि ये बंदे मेरे से रात को डर गए, इन्होंने सोचा कि बाइक गिर गई तो ये मारेगा, मैं ऐसी वैसी कोई वजह से हमेशा कभी बात नहीं सोच रहा, बाइक फिर से आ जाएगी, जान फिर से नहीं आती। मैं अगर आप मुझे कॉल करते हैं, मैं आपको शायद मैं ही आपको कहीं हॉस्पिटल लेके जाता, उधर कहाँ खज्जल हुए, कौन आया कौन नहीं, वो मैं रात की बात कुछ नहीं जानता, बस इतना पता है कि बंदे फिट फाड़ हैं, लगी ज़्यादा है, बाकी ये है कि अब सेक के सूखे करवाओ, अभी बाहर घूमो मत, आप जाओ जाके इंजेक्शन लगवाओ जाके। तो गाइस ये बंदे थे, आपको ये मसला था बता दिया, बाकी जो भी वो गाड़ी वाला था, मैं उसको ये बात बताना चाहता हूँ भाई, पहले देख के फिर आवाज़ लगाया करो, ऐसे कुत्ते की तरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बंदों को लगी है, बस बात ख़त्म। गाइस बाइक बता दूँ जहाँ जहाँ से टूटी है, ये चीज़ टूट गई है इसकी, इधर से लग गया टेढ़ी हो गया, ये देखो भाई, ये देखो ये स्टेयरिंग जो है अंदर हो गया पूरा, पीछे से ये बता दूँ, ये देखो गाइस, ये देखो नंबर प्लेट, तो इधर ये ऐसा हो गया, ये देखो पूरा, मतलब कि ये इधर से ये देखो ये टूट गया गाइस। बाकी ये है कि यार नुकसान भी हुआ है, चलो कोई बात नहीं, बंदे
बंदे फिट रहने चाहिए, बाकी नुकसान का कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।